फ्रेंड, आपका बहुत बहुत स्वागत है साइंस स्किल के इस चैनल पे। साथियों, आज हम लेकर आए हैं जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं MMHAPU मौलाना मजहरुल हक आरबी एंड पारसियन यूनिवर्सिटी पटना में जो अवस्थित है, उसके बीएड फर्स्ट ईयर 2020-22 का जो सेशन है उसमें फर्स्ट ईयर के जो एग्ज़ाम हैं उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं इसके बारे में लेकर हम हाजिर हैं। साथियों, सबसे पहले हम इस पेपर का बात करें तो इस पेपर में टोटल 40 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं थ्योरी पेपर, और 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। इसके नीचे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं, जैसे कि सभी क्वेश्चंस का जो आंसर करना है वो अपने शब्दों में आंसर करें, और सभी क्वेश्चंस के सामने ये फिट किया हुआ है कि कौन कितना कितना मार्क्स का है। जैसे यूनिट 1 है तो यूनिट 1 में जो भी क्वेश्चन है वो 14-14 मार्क्स का है। और दूसरा कि एक एक प्रश्न का चयन करते हुए 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, और प्रत्येक इकाई से यानी कि अलग अलग यूनिट से एक यूनिट से किसी एक क्वेश्चन को ही सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट का 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है डिस्कस द रिकमेंडेशन ऑफ पॉलिसीज एंड स्कीम रिलेटेड टू इरिगेट जेंडर बेसनेस, यानी लिंग उन्मूलन से संबंधित क्या क्या नीति है और कुछ योजनाओं की चर्चा करना है। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय वुमेन एम्पावरमेंट, यानी नारी सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं और इसके इम्पोर्टेंस मॉडर्न सोसाइटी में इसका क्या इम्पोर्टेंस है। साथियों, ये था यूनिट 1 का 2 क्वेश्चन, जिसमें से किसी एक का सेलेक्ट करके बनाना है। ये यूनिट 1 में 14 मार्क्स का क्वेश्चन है। फिर आगे बढ़े तो यूनिट 2 के क्वेश्चंस हैं। यूनिट 2 के क्वेश्चंस को जरा देखते हैं। यूनिट 2 में भी 2 क्वेश्चंस है, किसी एक का बनाना है। इसमें क्वेश्चन है 3rd नंबर, जेंडर आइडेंटिफाई इज क्रिएटिंग बाई सोशल इन्वायरमेंट जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल। बोल रहा है सामाजिक वातावरण से लिंग पहचान का सृजन यानी क्रिएशन किस प्रकार होता है, उदाहरण देते हुए इसकी पुष्टि करना है, समझाना है। अगला है डिस्क्राइब द डीकंस्ट्रक्टिव थ्योरी यानी विघटनकारी सिद्धांत एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन जेंडर इशू, और इसके जेंडर इशू पर क्या प्रभाव हैं, क्या इम्पैक्ट हैं उसको बताना है। तो ये यूनिट 2 के 2 क्वेश्चंस थे, ये 13 मार्क्स के हैं। कोई भी एक बनाना है यूनिट 2 में से। अब जरा हम आगे बढ़ते हैं साथियों, ये है यूनिट 3। तो यूनिट 3 में से भी कोई एक बनाना है। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है 6 है यूनिट 3 में, ये भी 13-13 मार्क्स का है। और टोटल इस तरीके से 40 मार्क्स का थ्योरी पेपर होता है, और ये टोटल जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी से 50 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। 10 मार्क्स वो प्रैक्टिकल के फॉर्म में कॉलेज से प्रोवाइड कराए जाते हैं साथियों। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज सरिकुलम यानी पाठ्यक्रम क्या है, व्हाट शुड बी केप्ट माइंड ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शंस ऑफ सरिकुलम फॉर जेंडर एजुकेशन। बोल रहे लिंग शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम करते समय किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, उन बातों को मेंशन कर रहे हैं। 6 नंबर कह रहे हैं डिफाइन जेंडर बेसनेस और मेंशन द इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन एंड रीजन इन जेंडर बेसनेस, यानी लिंग पूर्वाग्रह को प्रभाषित करना है, और इसमें धर्म यानी रिलीजन और जो रीजन क्षेत्र है वो उसके प्रभाव का भी व्याख्या करना है। तो साथियों, ये थे MMHAPU यानी कि मौलाना मजहरुल हक अरबी पारसियन यूनिवर्सिटी का जो बीएड 2020-22 का सेशन है उसके फर्स्ट ईयर के कुछ क्वेश्चंस। तो साथियों, आई होप कि ये क्वेश्चंस देखकर आप अगर बीएड के फर्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। थैंक यू।